चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चखाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चखाई। ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एकदम आसान तरीका कि कैसे आप लोग अपने ऑडियो में से बैकग्राउंड नॉइज को कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हो और अपने ऑडियो को एनहांस कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया एकदम क्रिस्टल क्लियर ऑडियो बना सकते हो अपनी ऑडियो को, और एकदम आसान स्टेप्स में, बहुत ही आसान स्टेप्स बताऊंगा, छुट्टू पुट्टू से बच्चा भी कर लेगा इस स्टेप्स को, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे करना है और क्या करना है और कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने पीसी या फिर लैपटॉप जो भी आप यूज करते हो उसमें ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है जिसका नाम है Audacity। ये सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। अब आप पूछोगे कहाँ से डाउनलोड करना है, तो भैया डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से जाके आप लोग इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। जब आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है अपनी ऑडियो फाइल जो भी आपने रिकॉर्ड किया है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक ऑडियो फाइल है जो रिकॉर्ड करके रखा है, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरी ऑडियो है। अब यहाँ पे आपको कुछ बात का ध्यान रखना है अपनी ऑडियो या फिर वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, काफी इंपॉर्टेंट है। आप पहली बात तो ये कोशिश करो कि आप काफी शांत वातावरण में बैठ के अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करो, जितना शांत हो सके। अब मुझे पता है पॉसिबल नहीं होता है कि आप पूरा ही साइलेंट एकदम वातावरण कहाँ से ढूंढ के लाओगे। कभी घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं उसकी आवाज़ आती रहती है, कभी पंखे की आवाज़ आती रहती है। खैर पंखा तो बंद करके रिकॉर्ड करना चाहिए ऑडियो, बट घर में थोड़ी बहुत आवाज़ आती रहती है। तो कुछ ऑडियोज होती है जिसको आप नहीं शांत कर सकते, कुछ नॉइस होती है बैकग्राउंड में, बट कोशिश करो जितना शांत में आप रिकॉर्ड कर सकते हो ऑडियो उतने शांत में रिकॉर्ड करो। और दूसरी बात, आप जब भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में 4-5 सेकंड तक आप कुछ मत बोलो, सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज जो है वो रिकॉर्ड होने दो, उसके बाद आप अपना बोलना शुरू करो जो भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे अब मैं आपको सबसे पहले तो सुना देता हूँ ये ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड कैसी हुई है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चखाई, ठीक है। तो कुछ ऐसी ये मेरी ऑडियो रिकॉर्ड हुई है। अब मैं ऑलरेडी बहुत ही शांत वातावरण में रिकॉर्ड करता हूँ अपनी ऑडियो और वीडियो को, तो यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ पे अभी हम लोग बैकग्राउंड नॉइज बढ़ जाएगी और आपको समझ में आएगा कि कैसे बैकग्राउंड नॉइज एकदम गायब हो जाती है। यहाँ पे जो भी थोड़ी बहुत ये आ रही है ना, ये देखो जो भी ये थोड़ी बहुत आ रही है ये भी हम लोग गायब कर देंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है ऑडियो इंपोर्ट करने के बाद में, यहाँ पे Ctrl+A दबाना है अपने कीबोर्ड में ताकि ये पूरी ट्रैक जो है वो सिलेक्ट हो जाए। सिलेक्ट होने के बाद में यहाँ पे आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है। इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम एंड कंप्रेशन का ऑप्शन है, वहाँ पे कर्सर ले जाना है। यहाँ पे आपको कंप्रेसर का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग पे आपको यहाँ पे बस सिंपली अप्लाई पे क्लिक कर देना है, आपकी ऑडियो कुछ ऐसी हो जाएगी। अब ये ऑडियो मैं आपको सुनाता हूँ। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चखाई। तो अब यहाँ पे आप लोग नोटिस कर सकते हो मेरी जो आवाज़ है वो थोड़ी उठ गई है, थोड़ी बढ़ गई है मेरी आवाज़, और उसके साथ साथ बैकग्राउंड नॉइज़ भी जो है वो भी यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉइज आ रही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, फिर से हम लोग ये पूरी ट्रैक को Ctrl+A दबा के फिर से पूरा ट्रैक को सिलेक्ट कर लेंगे। इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वॉल्यूम एंड कंप्रेशन वाला ऑप्शन पे फिर से जाएंगे कर्सर ले जाके, और यहाँ पे नीचे अब आपको लाउडनेस नॉर्मलाइजेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। बस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वो जो ज़्यादा नॉइज़ थी वो थोड़ी सी कम हो गई है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चखाई, ठीक है। अब ये ऑडियो हमारी ऐसी हो गई, बट अभी भी यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज जो है वो है, करेक्ट। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग का हिस्सा जो हमने जहाँ पे कुछ बोला नहीं है सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज रिकॉर्ड हो रही है ये वाला जो पार्ट है, इतने पार्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऐसे माउस से जितने पार्ट में नॉइज है सिर्फ उतने पार्ट को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हम लोग फिर से इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन होता है नॉइज रिमूवल एंड रिपेयर वाला, यहाँ पे कर्सर ले जाना। यहाँ पे नॉइज रिडक्शन का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ऐसा विंडो ओपन होगा, यहाँ पे आपको, मैं तो यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग ही रहने देता हूँ 12:6:3, और यहाँ पे गेट नॉइज प्रोफाइल पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे इतना काम कर लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर से Ctrl+A दबाना है ताकि ये पूरी ट्रैक, जितनी भी ऑडियो की जितनी भी बड़ी लंबी ट्रैक है वो पूरी सिलेक्ट हो जाए। और उसके बाद में Ctrl+R प्रेस करना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नॉइज जो है वो रिमूव हो चुकी है थोड़ी। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चखाई, ठीक है। बट अभी भी आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे तो थोड़ी सी नॉइज अभी भी रह गई है यहाँ पे चाचा। तो अगर एक बार Ctrl+R दबाने पे, नॉइज रिडक्शन करने पे, आपका इतना क्लीन नहीं होता है, मतलब नॉइज पूरी तरीके से अगर नहीं जाती है, तो आप लोग क्या करो, फिर से Ctrl+A दबा के फिर से पूरी ट्रैक सिलेक्ट करो और फिर से Ctrl+R दबा दो, तो दो बार वहां पे नॉइस रिडक्शन जो है वो अप्लाई हो गया। और अब यहाँ पे आप लोग नॉइस देख सकते हो बिल्कुल भी। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चखाई, तो यहाँ पे बिल्कुल पीछे की जो बैकग्राउंड नॉइस वगैरह जो भी थोड़ी सी किर्र आवाज आ रही थी वो पूरी की पूरी रिमूव हो चुकी है, देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे थोड़ा सा भी नहीं हिल रहा है।
चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चखाई। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग अपने ऑडियो में से बैकग्राउंड नॉइज को कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हो, एकदम गायब कर सकते हो बड़े आसानी से और एकदम आसान स्टेप्स थे। अगर ये स्टेप्स आप लोगों को एकदम आसान लगे और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। इस चैनल पे जाओ और भी वीडियोस चेक करो, काम की वीडियोस अगर इस चैनल पे आपको मिल रही है आपके काम की तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलो ये वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।